सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब मनोबल गिराने वाले ही होते हैं। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों मीठी लगने लगे तब समझ लीजिए कि जीना आ गया। दिल के हर आरजू हर किसी की पूरी हो, ना रहे कोई उदास ना कोई खुशी अधूरी हो। आज का पंचांग 17 मार्च 2020 दिन शुक्रवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि, रात्रि 10:12 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र सुबह 10:09 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:33 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:42 से 12:31 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। तुला राशि दिन शुक्रवार, हाल ही में हुए किसी नुकसान के कारण हुआ पारिवारिक झगड़ा आपको परेशान कर सकता है। घर या वाहन की मरम्मत या नवीनीकरण पर ध्यान आकर्षित होगा। घर के मामलों को बीच में ना छोड़ें, बल्कि इनका सामना करें। आपके माता पिता आपको समर्थन दे सकते हैं। खुद पर विश्वास रखें और बड़ा सोचें, क्योंकि आपके विचारों का आपके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। गलतफहमियों को दूर करने के लिए प्रियजनों से बातचीत करें। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वे कुछ नहीं कर सकते। आपकी भरपूर ऊर्जा और जबरदस्त उत्साह सकारात्मक परिणाम लाएंगे व घरेलू तनाव दूर करने में मददगार रहेंगे। आज के दिन आप किसी कुदरती खूबसूरती से खुद को शराबोर महसूस करेंगे। आपका ध्यान पढ़ाई पर अच्छा रहेगा। आज के दिन आपके लिए मन में समाज सेवा या लोगों की मदद करने का भाव आने का है। अपने साथ दूसरों के भले के लिए भी सोचें, परोपकार से आपको काफी लाभ होगा। अपने दैनिक कार्यों के अलावा कुछ ऐसा करने की भी सोचें जिससे सामाजिक रूप से भी किसी का उद्धार हो। अपनी जिम्मेदारियों को आप अच्छी तरह निभा रहे हैं, किंतु आज कुछ समय किसी का भला करने में भी बिताएं। सावधानियां, यह आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों का समर्थन लें। यह समय निवेश करने के लिए उपयुक्त नहीं है और आपको अज्ञात लोगों के साथ गठबंधन करने से बचना चाहिए। आपको कड़ी मेहनत करना जारी रखना चाहिए। लव लाइफ की बात करें तो आज के दिन आपके लिए केवल दिल के रिश्ते आवश्यक हैं, जो आपको सभी चिंताओं से बाहर निकालकर आनंदित ढंग से जीवन बिताने की प्रेरणा देते हैं। अपने कीमती वक्त में से कुछ पल अपने साथी के लिए भी निकालें। खाने पीने के सामग्री के लिए धन का व्यय हो सकता है। खास लोगों के साथ रहना और विजय पाना आपका सपना है। चिंता ना करें, आप ईमानदार और दृढ़ हैं। आज आप जो भी सोचेंगे वो पूरा होगा। यही नहीं, आपके खास लोग भी आपका साथ देंगे और आपका मार्गदर्शन भी करेंगे। अपने जीवन का यह दौर आपको कुछ चैटिंग अनुभव प्रदान कर सकता है, इसलिए तैयार रहें। करियर की बात करें तो खास सामग्री व्यापारियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आपको बड़ा लाभ भी हो सकता है। शांति और सुकून भरे पलों के लिए आज को समय निकालें। अपनी प्राथमिक शिक्षा को पूरी करने के बारे में सोच सकते हैं। सोच समझकर आप कोई भी चीज खरीदें। जब कुछ पाने की इच्छा सच्ची और दृढ़ होती है तो पूरा ब्रह्मांड उस चीज को आप तक पहुंचाने में सहायता करता है। खुद पर विश्वास करें और महत्वाकांक्षाओं को उच्च रखें, क्योंकि आपके विचारों का आपके प्रयासों पर भी प्रभाव पड़ता है। सेहत की बात करें तो आज आप दिमाग को शांति प्रदान करने पर जोर डालें और उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके जीवन में महत्व रखती हैं।
आप सांस और ध्यान लगाने की क्रियाओं पर ध्यान दें ताकि आप शांति पा सकें। आज का उपाय, आज आप घर के ईशान कोण में या पूजा घर में घी का दीपक जलाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।